आगामी लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत जिला अधिकारी महोदय तथा पुलिस अधीक्षक रामपुर द्वारा नगर सर्किल में वाहनों से किया गया फ्लैग मार्च। जनपद में आगामी लोकसभा चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए आंजनेय कुमार सिंह जिला अधिकारी तथा शिवहरि मीणा पुलिस अधीक्षक रामपुर तथा अन्य अधिकारियों कर्मचारियों द्वारा दंगा नियंत्रण उपकरण से लैस होकर शहर क्षेत्र में वाहनों से फ्लैग मार्च किया गया। निर्भीक होकर मतदान करने की अपील की गई, साथ ही चुनाव के दौरान गड़बड़ी फैलाने वालों को चेताया गया। जनपद रामपुर में आदर्श आचार संहिता 144 लागू है, सभी लोग आदर्श आचार संहिता 144 का पालन करें। चुनाव के दृष्टिगत धारा 144 लागू है। एक स्थान पर यदि चार या चार से अधिक व्यक्ति खड़े मिलेंगे तो उनके विरुद्ध भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। आज माननीय चुनाव आयोग के निर्देशानुसार पुलिस की ब्रीफिंग पुलिस लाइन में की गई, जिसमें ऑब्जर्वर साहेबान हमारे समस्त अधिकारी कर्मचारी थे। इसके तहत हम आपको बता दें कि लगभग जनपद में 12,000 के आसपास पुलिसकर्मी आए हुए हैं जो चुनाव को सकुशल संपन्न करवाएंगे। पूर्व में हम आपको बता दें लगभग 40,000 लोगों को हम निरोधात्मक कार्रवाई के तहत पाबंद कर चुके हैं। अन्य जो प्रिवेंटिव एक्शन है वो लिए गए हैं। इसके अतिरिक्त रामपुर में दो चीज़ें हमने यहाँ की परिस्थितियों को देखते विशेष रूप से करी है कि जितने भी हमारे क्रिटिकल या वनरेबल बूथ और सेंटर हैं उन पर लगभग 270 पर हमने मोर्चा बनाया है जो हमारी पैरामिलिट्री है उसके लिए, और साथ ही साथ इसके अतिरिक्त रामपुर में जो सक्रिय गलियाँ हैं उनके लिए मोटरसाइकिल स्कॉट बनाई है जो तत्काल रेस्पॉन्स करेगी, पहुँचेगी। हम आपको इंश्योर कर रहे हैं कि रामपुर में निश्चित रूप से स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से चुनाव रामपुर पुलिस प्रशासन करवाएगा। ठीक सर। सर, रामपुर में जो पुलिस प्रशासन लगा है जिस तरीके से, ये जो आपने 40,000 के लोगों को आपने मतलब करा है, इसमें इसी यही लोग अगर आने के बाद में कुछ करते हैं तो आप उनके साथ? नहीं, इनके लिए अलग अलग व्यवस्था की गई है। जैसे किसी को रेड कार्ड दिया गया है, इसके अतिरिक्त जो जरूरत पड़ेगी तो प्रिवेंटिव एक्शन के तहत उन्हें थाने पर ला कर बिठाया जाएगा। उनका मतदान करने के उपरांत या तो थाने पर रहेंगे या अपने घर पर रहेंगे, ये इंश्योर करवाने की जिम्मेदारी हमारे रामपुर पुलिस प्रशासन की है कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव। यदि किसी पोलिंग बूथ पर किसी तरीके की अप्रिय घटना होती है या पोलिंग को कैप्चर किया जाता है तो उसमें कितनी देर में पुलिस आपकी? हम आपको बता दें कि इसके लिए हमने विशेष व्यवस्था करी है कि मोर्चा लगाया गया है और स्पष्ट माननीय चुनाव आयोग का निर्देश है कि किसी भी स्थिति में कोई गड़बड़ी नहीं होने दी जाएगी। इनकेस फिर भी कोई अगर इस तरह की बात होगी तो विद इन 5 मिनट में कोई ना कोई मोबाइल हमारे वहाँ पहुँचेगा।